राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम पक्षी हमारे साथी हैं। एक दिन की बात है, स्कूल के कुछ बच्चे अपनी अध्यापिका दीदी के साथ बस में बैठकर भरतपुर से वापस लौट रहे थे। अरे वाह, कितना मजा आया भरतपुर, बहुत सारे पक्षी देखे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। भरतपुर के पास ही उन्होंने घना पक्षी विहार देखा था और वे सब उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। शिक्षिका दीदी भी उनकी बातें सुन रही थी कि तभी मोहन को प्यास लगी। वो बाबू से बोला, बाबू मेरी पानी की बोतल पकड़ा दे। अपने आप ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा गीता, तुम पकड़ा दो मेरी पानी की बोतल। मोहन तंग मत करो, खुद ही ले लो। इकबाल, मैं तो सो रहा हूँ, बहुत गहरी नींद में हूँ, मैं तुम्हें अब तुम्हारी पानी की बोतल कैसे पकड़ाऊँ? ओफो मोहन, जब तक तुम अपना काम स्वयं नहीं करोगे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। जी दीदी, मैं खुद ही पानी की बोतल ले लेता हूँ। अच्छा बच्चों, तुम सब ने भरतपुर में तरह तरह के पक्षी देखे, तो क्या सीखा उनसे? भला पक्षी हमें क्या सिखा सकते हैं? क्यों भाई, पक्षी हमें अपना काम स्वयं करने की शिक्षा देते हैं। दीदी वो कैसे? देखो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। तो ध्यान से सुनो। बहुत पुरानी बात है, एक चिड़िया ने गेहूं के खेत में घोंसला बनाया। घोंसले में उसने 3 अंडे दिए। अच्छा, कितने अंडे दिए बच्चों? 3। वो रात दिन अंडों की देखभाल करती। कुछ समय बाद अंडों से 3 नन्हे नन्हे बच्चे निकल आए। अरे वाह! अब तो चिड़िया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। वो सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए दाना लेने निकल पड़ती। फिर सूरज ढलने से पहले ही वो लौट आती। अपनी चोंच से उन्हें दाने, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि खिलाती। अच्छा। इस तरह धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वो रोज माँ से पूछते, माँ हम कब उड़ सकेंगे? चिड़िया कहती, बस कुछ दिन और। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन की बात है, चिड़िया दाने लेने गई थी, तभी खेत में एक किसान आया। उसने गेहूं की बालियों को हाथ लगाया और बोला, गेहूं पक गए हैं, अब फसल कटवा लेनी चाहिए, कल ही मैं चाचा को कहूंगा कि वो इसे कटवा दे। ये कहकर वो तो चला गया, पर घोंसले में हलचल मच गई। अब क्या होगा? जब चिड़िया लौटी तो तीनों बच्चों ने सहमे स्वर में माँ को सारी बात बताई। चिड़िया कुछ सोचने लगी, फिर बोली, घबराओ मत, कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन से चिड़िया ने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू किया। एक हफ्ते बाद फिर वही किसान खेत पर आया। इस बार उसके बेटे भी साथ में थे। अच्छा? वो फिर फसल कटवाने की बात कर रहा था। कहने लगा, कल ही अपने भाइयों को भेजता हूँ, अब तो फसल कटनी ही चाहिए। शाम को बच्चों ने फिर सारी बात माँ को बताई। चिड़िया फिर बोली,
डरो मत बच्चों, कल भी कोई नहीं आएगा। ऐसा हुआ भी। एक सप्ताह बाद किसान फिर आया। वो बहुत गुस्से में था। बोला, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लगता है अब ये फसल मुझे खुद ही काटनी पड़ेगी। मैं कल ही आकर ये फसल काटूंगा। शाम को जब चिड़िया को ये बात पता चली तो वो बोली, कल किसान जरूर आएगा। अब तो तुम्हें उड़ना भी आ गया है। हम सब कल सुबह ही यहाँ से उड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अगले दिन सुबह जैसे ही चिड़िया ने घोंसला छोड़ा, किसान और उसके बेटे खेतों पर फसल काटने के लिए आ गए। कितनी अच्छी कहानी थी। अच्छी थी ना? इस कहानी का संदेश भी अच्छा है, क्योंकि चिड़िया को पता था जो अपना काम स्वयं करता है उसी का काम पूरा होता है। हाँ दीदी। हाँ। क्यों सायरा? हाँ दीदी, चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया तभी वो वहाँ से भाग पाए। लेकिन वो उड़कर इतनी दूर जा कैसे पाते हैं? हाँ दीदी, 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 कैसे जा पाते हैं? कैसे जा पाते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया। पक्षियों के शरीर की बनावट ऐसी है कि ये आगे और पीछे से पतले होते हैं। अच्छा। इससे उड़ते समय वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उड़कर पक्षी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दीदी, क्या हवाई जहाज की तरह? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। बल्कि हवाई जहाज की बनावट पक्षियों की ही तो नकल है बच्चों। अच्छा? हाँ साथियों, ये सच है कि मनुष्य को हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा पक्षियों से ही मिली। इस तरह पक्षी हमारे साथी ही हुए ना? फिर हमें अपने साथियों से ये भी तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपना काम स्वयं करें। पक्षी हमारे साथी हैं, पक्षी हमारे साथी, पक्षी हमारे साथी, पक्षी हमारे साथी हैं। पक्षी हमारे साथी हैं, पक्षी हमारे साथी, पक्षी हमारे साथी, पक्षी हमारे साथी हैं। आसमान में उड़ते रहते, धरती पर भी चलते रहते, आसमान में उड़ते रहते, धरती पर भी चलते रहते। सुबह से हो जाती है शाम, पक्षी करते अपना काम, पक्षी करते अपना काम, पक्षी करते अपना काम, पक्षी करते अपना काम। दीदी, मगर इतनी दूर से उड़कर आते समय क्या पक्षियों को भूख नहीं लगती? सायरा, बिल्कुल लगती है। उड़ते हुए जब कोई शिकार इन्हें नजर आता है वो नीचे आकर उसे खा लेते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं। दीदी, इतनी दूर से इन्हें दिखाई दे जाता है? हाँ, कुछ पक्षी तो एक मील की दूरी से भी अपने शिकार का पता चला लेते हैं। अच्छा, पर इतनी दूर से वो देख कैसे लेते हैं? उनकी आंखें तो इतनी छोटी होती हैं। हाँ दीदी। हाँ, छोटी तो होती है पर तेज भी बहुत होती है। चिड़िया के सिर में सबसे ज्यादा जगह उसकी आंखें घेरती हैं, जो सामने ना होकर सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसीलिए बच्चों, वो एक समय में एक बहुत बड़े घेरे को देख लेती है। अच्छा दीदी, उस दिन मैं और इकबाल पेड़ पर चढ़े हुए थे
उस पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। अच्छा। हमने उसे छेड़ा नहीं, चुपचाप नीचे उतर आए। घोंसला बिल्कुल टोकरी की तरह लग रहा था दीदी। हाँ दीदी, ये तुमने अच्छा किया कि घोंसले को छुआ नहीं, उसमें अंडे हो सकते थे, चिड़िया के अंडे। घोंसलों में अंडे देकर चिड़िया उन्हें सेती है, इनसे फिर छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं दीदी। और जब बच्चे निकलते हैं तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, फुर्र से नहीं उड़ते। जब बच्चे निकलते हैं तो वो इसी घोंसले में रहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक इन बच्चों के ना पंख होते हैं और ना अपने आप ये कुछ कर सकते हैं। तो क्या ये अपने आप खाना भी नहीं खाते दीदी? नहीं सायरा, चिड़िया अपने बच्चों को खुद खाना खिलाती है। अच्छा, लेकिन दीदी चिड़िया के हाथ तो होते नहीं, वो बच्चों को खाना कैसे खिलाती होगी? देखो, चिड़िया अपनी चोंच में कीड़े मकोड़े, फल और अनाज के दाने लाती है। अच्छा। और इनके मुंह में अपनी चोंच से खाना डालकर खिलाती है। फिर तो ये अपना घोंसला भी चोंच से बनाती होंगी दीदी। हाँ मोहन, चोंच में सूखे तिनके, ऊन के टुकड़े, पंख आदि लाकर चिड़िया इनसे बहुत सुंदर घोंसले बनाती है। तब तो इनकी चोंच बहुत काम की हुई। हाँ, पक्षियों की चोंच इनके लिए बहुत काम की है बच्चों। इससे ये केवल खाना ही नहीं खाते बल्कि बहुत से दूसरे काम भी करते हैं, जैसे घोंसला बनाना, अपना शरीर खुजलाना और साफ करना, और शिकार पकड़ना। अच्छा दीदी, पक्षी पंजों से क्या करते हैं? हाँ दीदी, पक्षियों के पंजे तो होते ही नहीं है। पंजे का मतलब है पांच उंगलियां होना, जबकि पक्षियों की चार उंगलियां होती हैं। उन्हें चंगुल कहा जाता है। जैसे चील, उसका चंगुल बहुत पैना और तेज होता है। बाज का भी, वो इससे शिकार करते हैं। आम तौर पर पक्षी चंगुल से कई तरह के काम करते हैं बच्चों। दीदी, पक्षी कितने अद्भुत जीव हैं, इतने सुंदर, मेहनती और हमारे काम आने वाले। वो कैसे? पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं और फिर खेतों में बीज बोने से फसल पकने तक कीड़े मकौड़ों को खाकर फसल की रक्षा भी करते हैं। तिनका तिनका ला कर ये रहते हैं घोंसला बना कर ये, कीड़े मकौड़े अनाज और फल पक्षी खाते हैं हर पल। इंसानों की मदद को आते, बीजों को दूर दूर फैलाते, पक्षी हमारे साथी हैं। प्यार करें इनको, हम दुलार करें इन्हें, खिलाएं हर दम दाना, याद रखें पानी भी पिलाना, इनको कभी ना पत्थर मारें, पिंजरों में ना इनको डालें, पक्षी हमारे साथी हैं। पक्षी हमारे साथी। ज्ञान विज्ञान, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पक्षी हमारे साथी हैं। आलेख अजय चावला, विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, गौरी, अनन्या, अजीत कौशल, आशीष बख्शी और आरती बख्शी, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर भूपेंद्र, नेहा, अनुभव और अभिषेक, ध्वन्यांकन भूषण गजभिये और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।